नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज देवउठनी एकादशी है। हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु योग निंद्रा से उठते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि रविवार और एकादशी के दिन तुलसी को छूना, इसके पत्ते तोड़ और इसमें जल अर्पित करना काफ़ी अशुभ है। आइए जानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण क्या है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एकादशी के दिन तुलसी का काफ़ी महत्व होता है। माना जाता है कि तुलसी भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है और तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। तुलसी को हिंदू धर्म में बेहद पवित्र माना गया है। भारत में तुलसी का पौधा हर घर में पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी में माता लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में तुलसी का पौधा लगा होता है उस घर पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। तुलसी का धार्मिक महत्व होने के साथ ही यह हमारी सेहत के लिए भी काफ़ी फायदेमंद साबित होती है। आयुर्वेद में तुलसी के कई फायदे हैं जिनके बारे में बताया गया है। वहीं वास्तु शास्त्र में भी तुलसी को खास महत्व दिया गया है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक हर घर में तुलसी के पौधे को रोजाना पानी दिया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। यह प्रथा पौराणिक समय से चलती आ रही है। हालांकि कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जिनमें तुलसी के पौधों को पानी देना वर्जित माना गया है। माना जाता है कि तुलसी के पौधे को रविवार और एकादशी के दिन जल अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आप रविवार और एकादशी के दिन तुलसी में जल अर्पित करते हैं तो इससे वह बर्बाद हो सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि रविवार और एकादशी के दिन तुलसी को जल अर्पित क्यों नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि देवी तुलसी का विवाह एकादशी के दिन विष्णु के साथ रूप शालिग्राम से हुआ था। दरअसल देवउठनी एकादशी के दिन सभी रीति रिवाजों के साथ दोनों की शादी होती है। यह भी माना जाता है कि देवी तुलसी एकादशी का व्रत रखती है और यदि आप इस दिन जल चढ़ाते हैं तो उनका व्रत टूट जाता है। इससे गुस्से में पौधा भी सूखने लगता है। एकादशी के दिन भी तुलसी के पत्तों को तोड़ने से बचें। आइए जानते हैं कि एकादशी के दिन क्यों नहीं तोड़ते हैं तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्तों को एकादशी के दिन तोड़ना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से भगवान विष्णु और तुलसी मैया नाराज हो जाती हैं। साथ ही एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और ग्रह कलेश बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा रविवार और मंगलवार के दिन भी तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचना चाहिए। तुलसी के पत्तों को शाम और रात के समय भी तोड़ने से बचें। तुलसी के पत्तों को सुबह तोड़ना शुभ माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि कैसे तोड़े तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्तों को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। इसे तोड़ते समय अंगूठे और तर्जनी उंगली का इस्तेमाल करना चाहिए। तुलसी के पौधों को कभी भी स्नान किए बिना नहीं छूना चाहिए, इससे भगवान विष्णु आपसे नाराज हो सकते हैं। तो ये थी हमारी तुलसी माता को लेकर कुछ जानकारी कि आखिर एकादशी और रविवार के दिन माता को क्यों जल नहीं चढ़ाते। और भी ऐसी भक्ति की खबरों को जानने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।